ही व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में बहुत सारी स्टोरीज को कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने वाला है, तो अगर आपने अभी तक उस लाल वाले बटन को नहीं दबाया तो प्लीज जाके उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए, एंड जो पास में बेल आइकन है उससे भी दबा देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। पहली स्टोरी हमारे सामने आ रही है हिंदुस्तानी भाव की तरफ से। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछली वीडियो में बताया था, किस तरह से ट्विटर पे हिंदुस्तानी भाव के फेक अकाउंट्स बन रहे थे, तो उसी पे हिंदुस्तानी भाव ने साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज कराई, तो उसी पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल छापा है। तो अगर वो आर्टिकल आपको पढ़ना है तो मैंने उस आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके उस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि आ रही है बकलोल वीडियोस की तरफ से। तो उनका एक वीडियो ऊपर वाला सबके सुनता है, YouTube पे 200 मिलियन व्यूज, करीबन 20 करोड़ व्यूज को क्रॉस कर गया। सो आई हार्टली कंग्रेचुलेशन टू बकलोल वीडियो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि आ रही है टेक्निकल गुरुजी की तरफ से। तो टेक्निकल गुरुजी का चैनल वर्ल्ड का नंबर वन टेक चैनल बन चुका है। पहले वर्ल्ड का नंबर वन टेक चैनल हुआ करता था अनबॉक्स थेरेपी, बट अब दुनिया का नंबर वन टेक चैनल बन चुका है टेक्निकल गुरुजी का। तो यार कंग्रेचुलेशन टू टेक्निकल गुरुजी फॉर दिस अचीवमेंट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि आ रही है मिस्टर फैजू की तरफ से। तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मिस्टर फैजू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करी है अली कासिफ खान ने, तो उन्होंने दोबारा मिस्टर फैजू के खिलाफ कंप्लेंट करी है। तो उसी पे उन्होंने ट्विटर पे कहा, कंप्लेंट इन द साइबर सेल हैज बीन फिल्ड टुडे बाय मी अगेंस्ट द नोटोरियस टिकटॉकर मिस्टर फैजू फॉर ग्लोरीफाइंग डोमेस्टिक वायलेंस, assault on women and promoting crime. Please take strict action. And उसी ट्वीट पे उन्होंने इस वीडियो को अटैच किया है। प्लीज यार मुझे छोड़ के मत जाओ, देखो ब्रेकअप की बात मत करो, मैं अपनी नस काट लूंगी, मैं तैयार हूँ एकदम नस काटने के लिए, बता। हमें ये नस काटने की बात करनी है, अभी पोछा लगाया मैंने तेरी, बाहर जाके नस। एक और उन्होंने वीडियो शेयर किया जहां पे उन्होंने लिखा है, किस तरह से मिस्टर फैजू विमेन सेफ्टी के अगेंस्ट चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि आ रही है प्राजक्ता कोहली की तरफ से। तो उन्होंने अभी अपने चैनल पे एक डिस्ट्रैक निकाला है, तो उसी के बिहाफ पे उन्होंने लिखा है, आई मीन somebody had to roast me properly. तो अगर तो आपको प्राजक्ता कोहली का वो डिस्ट्रैक्ट देखना है तो मैंने उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि आ रही है अमिताभ बच्चन की तरफ से। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये फोटो पोस्ट करी, तो उसी फोटो के नीचे किसी ने कॉमेंट किया, ये बाजू में कैरी खड़ा है क्या सर? तो अमिताभ बच्चन ने रिप्लाई देते हुए कहा, बाजू में मेरा पोता, मेरा ग्रैंडसन खड़ा है, ये कैरी क्या होता है? एंड एक और किसी ने कैरी का क्लिप आर्ट सेंड किया था कॉमेंट सेक्शन में, तो उसी पे अमिताभ बच्चन ने रिप्लाई किया, टू कूल। तो ये सब देख के तो अमिताभ बच्चन भी कंफ्यूज हो गए होंगे। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टोरी की, जो कि आ रही है मुंबई कर निकल की तरफ से। तो जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे माइग्रेंट्स पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो उसी पे मुंबई कर निकल ये बोले, जो चीज हम लोग डिजर्व करते हैं वो चीज ये माइग्रेंट लेबर्स भी डिजर्व करते हैं, वो है अपने घर पे रहना, खाना खाना और सेफ ट्रैवलिंग करना। ऐसा ट्रीट करोगे तो ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे। जो कि आ रही है एमए वनटाई की तरफ से। बिकॉज ऑफ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक ड्रामा मैंने इस स्टोरी को कवर नहीं किया है। तो अभी कुछ दिन पहले एमए वनटाई और डिवाइन के बीच में कोई ड्रामा चल रहा था, तो उसी पे एमए वनटाई ने एक डिस्ट्रैक्ट निकाला था। उस डिस्ट्रैक्ट में उन्होंने दो वर्ड्स डाल दिए थे जिसके कारण उनको बहुत सारा हेट मिलने लगा। वो दो वर्ड्स थे हनुमान जी एंड भजन। तो उसी के चलते उन्होंने इस डिस्ट्रैक्ट को प्राइवेट कर दिया है और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, नेवर मीन टू हर्ट एनीवनस सेंटीमेंट्स, माई टीम हैज पुट द वीडियो ऑन प्राइवेट, इट विल बी बैक विद हनुमान एंड भजन वर्ड म्यूटेड, थैंक यू। यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।